हमारा पुरतपाक इस्तकबाल किया। चकवाल से आए दोस्त और अजीज के हमरा नाश्ता किया। राजा साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र जी, थैंक यू। आपका नाम बहुत तवील है, राजा यासिर हुमायूं सरफराज खान। नहीं, सिर्फ यासिर हुमायूं में यूज करता था जी हमेशा से स्कूल में। राजा तो अब क्योंकि कोई स्टेट ही नहीं है तो राजा लिखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सियासत की मजबूरी बन गई। सरफराज मेरे दादा का नाम है। ये पेंटिंग बहुत शानदार है, इसे देख के आपका आर्टिस्टिक जौक झलकता है। मुझे शौक तो बचपन से फोटोग्राफी का, आर्ट का था ही। अमेरिका में मैंने एक यूनिवर्सिटी में क्लास ली, अप्रिसिएशन ऑफ द आर्ट्स भी। तो ये जो पेंटिंग है, ये डेविड एक बहुत मशहूर आर्टिस्ट गुजरे हैं, डिविंची के बाद रियलिज्म में इन्हीं का नाम आता है। और इनकी जो तीन मशहूर पेंटिंग्स हैं उनमें से एक की कॉपी है। और ये इसकी सबसे अच्छी बात है कि मेरे चकवाल के एक आर्टिस्ट हैं अमजद साहब, उन्होंने कॉपी किया। आप कहते हैं कि आप रिवायती सियासतदान नहीं हैं, लेकिन जिस तरह आप अपनी मूंछों को ताव दे के रखते हैं, इससे ये लगता है कि आप अंदर से रिवायती जागीरदार तो ज़रूर होंगे। एक्चुअली जी, आपकी एनलाइटनमेंट हो जाए तो आपकी एक स्टेट ऑफ माइंड है। हम लोग जागीरदारी ख़त्म हुए हुए मेरा ख्याल है 100 साल 150 साल से ज़्यादा हो चुका है पंजाब में। अगर मेरे आबाओ अजदाद थे भी तो वो एजुकेटेड थे, मेरे परदादा से ऑनवर्ड्स। पेरेंट्स ज़ाहिर है जो जेनेटिक्स हैं वो तो चेंज नहीं हो सकते। आप अपने वालदैन के अकलौते बेटे थे, लाड़ तो बड़े उठाए होंगे आपके उन्होंने। जी नहीं, वो एक मेरे अकलौता तो था, लेकिन मेरे वालिद साहब की एक फ़िलासफ़ी थी कि सख्ती भी इतनी करते थे और ज़ाहिर है लाड़ भी उतना ही करते थे, तो इट वाज उन्होंने एक बड़ा बैलेंस रखा हुआ था। आपके दादा तहरीके पाकिस्तान के खासे एक्टिव कारकुन थे, तो आपने उनसे क्या सीखा? जो मेरे दादा थे जी, उनका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट था ना सिर्फ हमारी इमीडिएट फैमिली पे बल्कि एक्सटेंडेड फैमिली पे। बड़े एनलाइटेंड शख्स थे, जो एक ट्रांसफॉर्मेशन थी जागीरदारी निज़ाम से इंसानियत से मोहब्बत की तरफ, उसमें एक बहुत बड़ा रोल उन्होंने अदा किया। चकवाल में उन्होंने एजुकेशन के लिए बड़ा काम किया। मेरी तो पैदाइश से पहले उनकी वफात हो चुकी थी, लेकिन उनकी सारी नॉलेज और जो वो उनके ख्यालात थे वो हम तक पहुँचे भी। सुना है आपके दादा ने फौत होने से पहले अपनी औलाद को कोई बड़ी खास नसीहत की थी, सियासत से दूर रहने की नसीहत की थी अपने बेटों को, और उन्होंने अमल भी किया उस पर। 30 से मेंबर थे असेंबली के, यूनियनिस्ट पार्टी में थे, फिर मुस्लिम लीग में आए, खाकसार तहरीक में भी रहे। जब पाकिस्तान के बाद उन्होंने हालात देखे कि आपके लोग कत्ल करके आ जाते थे और कहते थे हमें सपोर्ट करो, तो वो कहते थे कि सियासत के लिए वो काम आपको करने पड़ेंगे जिससे आपकी आखिरत ख़राब हो, उससे बेहतर है कि आप इससे दूर ही रहें। चकवाल से एचिसन कॉलेज लाहौर तक कैसे पहुंचे? एचिसन कॉलेज लाहौर में जी, मेरे पहले मेरे दादा के जो भाई थे वो तो डून स्कूल होता था एचिसन के मुकाबले का, एक डेरा दून में, वहाँ पे पढ़े थे। मेरे दादा का ख्याल था कि एचिसन कॉलेज बहुत फ्यूडलिस्टिक है और उन्होंने अपने भाइयों को इसलिए डून स्कूल भेजा जो ज़्यादा ज़रा पब्लिक स्कूल था। एचिसन में मेरे वालिद साहब का भी एडमिशन हुआ, उनको बड़ा शौक था कि मैं एचिसन में ही पढ़ूँ। उस ज़माने में आपके जो क्लास फेलोज थे, जो बैचमेट्स थे, उनमें से कौन कौन सी शख्सियात आजकल आपको नज़र आती हैं जो बड़ी मशहूर हैं? जो मेरे क्लास फेलोज थे जी, बहुत सारे उनमें से MPS बन गए हैं जो, लेकिन एक्चुअल जो लायक लोग थे वो अक्सर अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क में नहीं रहते। जमींदारों के बच्चे हैं वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, इस वक्त MPA हैं, अवैस खान दृशक मेरे साथ हैं, अब्बास अली शाह साहब हैं, पीर काशिफ अली चिश्ती नून लीग से हैं, ये मेरे क्लास फेलोज हैं सब। यानी ये लायक नहीं है? टॉप ऑफ द क्लास तो नहीं थे, लेकिन ज़ाहिर है एक अच्छी ग्रूमिंग तो इनकी हुई। आप शुरू से ही मुस्लिम लीग को पसंद नहीं करते थे, इस मुखालफत की वजह क्या? अगरचा मेरे दादा तो मुस्लिम लीग उन्होंने 42 में ज्वाइन की और मरते दम तक मुस्लिम लीग में रहे और मादरे मिलत के भी सपोर्टर रहे, लेकिन 70s में मेरे वालिद साहब और उनकी जो ओरिएंटेशन थी सबकी लेफ्ट की तरफ हो गई। भुट्टो साहब आए और उनके मेरा ख्याल है वो करिश्मा में सब गिरफ्तार थे, पीपल्स पार्टी सब ने ज्वाइन कर ली। एक एंटी मुस्लिम लीग आप कह लें फीलिंग है वो हमारे घर में थी। जब आप फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी में थे तो आप वहाँ के पहले नॉन वाइट सेनेटर इलेक्ट हुए थे। नॉन वाइट तो नहीं आप कह सकते, ब्राउन कह सकते हैं, पहला सेनेटर मैं। बेसिकली जी, लीडरशिप तो मेरा ख्याल है नेचुरल होती है। जब मैं एचिसन कॉलेज में भी था तो अपने आखिरी सालों में मैं कुछ सोसाइटीज़ का प्रेसिडेंट बन गया। यूनिवर्सिटी में गया तो पहले सेमेस्टर में ही मैंने एक इलेक्शन लड़ लिया। फिर वहाँ पर PSA नहीं थी यूनिवर्सिटी में, उसको बनाया तो PSA बनाई और बड़ी लॉन्ग लास्टिंग उसका इफेक्ट है, अभी तक वो बड़ी कामयाब तंजीम है वहाँ। उसके बाद इंटरनेशनल स्टूडेंट एसोसिएशन, फिर यूनिवर्सिटी सेनेट। इतनी अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज़ के बावजूद भी टेक्नोक्रेसी की तरफ ज़्यादा माइल थे, इसकी जो आपके हलके के लवाजमात है ना, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आपका जो वोटर है वो देखता है कि काम होना चाहिए ठीक है या गलत है, वो तो बल्कि उनकी डिमांड ये होती है कि जी ठीक काम तो खुद बखुद हो जाते हैं, काम करा के दिखाओ। तो दैट इज द बुनियादी रीजन जिसकी वजह से मेरे दादा ने पॉलिटिक्स छोड़ी,
और हमें अट्रैक्ट नहीं करती, यही वजह। आप पीपल्स पार्टी में शामिल होना चाहते थे लेकिन फिर पीटीआई में अचानक कैसे आ गए? मैं एक्चुअली इमरान खान साहब को पसंद तो हमेशा से करता था, लेकिन मेरा ये ख्याल था कि शायद पॉलिटिक्स में ये कामयाब ना हो सके। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा से आई वाज ऑलवेज इंस्पायर्ड, लेकिन मुझे लगता था कि गलत लोग उनके साथ शामिल हो गए हैं। तो हमें उम्मीद थी कि जब 2008 में वापस आएंगी तो एक बिल्कुल डिफरेंट पीपल्स पार्टी होगी। तो उसमें उन्होंने ये भी ख्वाहिश जाहिर की कि मेरे जैसे लोगों को उनके साथ ज्वाइन करना चाहिए। तो अनफॉर्चुनेटली उनकी फिर शहादत हो गई, तो फिर ऑब्वियसली देयर वाज नो अदर चॉइस लेफ्ट। इमरान खान साहब भी एक मेनस्ट्रीम लीडर बन गए, तो फिर ऑब्वियसली बन गया। इमरान खान साहब से पहली मुलाकात कब और कैसे हुई? इमरान खान साहब से जी 2010 में मेरे एक बड़े करीबी वालिद साहब के दोस्त थे, वो इनके भी दोस्त थे, कॉमन फ्रेंड थे, उनके ज़रिए मुलाकात हुई और जो आइडियाज़ पर डिस्कशन हुई उनको मेरे ख्याल बड़े पसंद आए, उनके ख्याल तो ऑलरेडी मुझे बड़े पसंद थे। तो एक पहली नज़र में ही कहते हैं या पहली मुलाकात में ही क्लिक हो गया। आखिर उस्मान बुज़दार साहब को अब तक कबूल क्यों नहीं किया जा सका? देखिए, एक तो ये ना नून लीग का प्रोपेगेंडा भी है, दूसरी बात ये है कि शहबाज शरीफ साहब ना वन मैन शो के आदि थे, जबकि उस्मान बुज़दार साहब बैकग्राउंड में रह के ही वर्क्स थ्रू पीपल, उन्होंने मिनिस्टर्स को एम्पावर किया है और बजाय कि हर चीज़ का क्रेडिट खुद लेने का मिनिस्टर्स को भी लेने देते हैं। तो लोगों को लगता है कि बुज़दार साहब कुछ नहीं करे, हालांकि करते पहले भी शहबाज शरीफ साहब की टीम थी, लेकिन क्रेडिट सारा शहबाज शरीफ साहब ही लेते थे। आप कहते हैं कि जो पहले मिनिस्टर ना बनाओ उसे चीफ मिनिस्टर भी नहीं बनना चाहिए। एक्सपीरियंस का कोई नेमुल बदल नहीं है किसी भी फील्ड में, आप जितने मर्जी लायक हो, आप क्रिकेट खेलने जाएं तो पहले टेस्ट में आप कैप्टन थोड़ी बन जाएंगे। क्या आपका इशारा उस्मान बुज़दार साहब की तरफ? जी नहीं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। जब लोग मेरे से पूछते हैं कि आप CM बन रहे थे, तो मैं यही कहता हूँ कि मैं तो समझते ही नहीं कि इस काबिल में था। सेक्रेटेरिएट लाहौर में वाके हायर एजुकेशन के ऑफिस पहुंचे और सेक्रेटरी हायर एजुकेशन जुल्फकार घुमन से BS प्रोग्राम से मुतालिक मीटिंग की और उनकी गुजारिशात सुनी। आपके ख्याल में पंजाब की गवर्नेंस क्या दुरुस्त हाथों में है? मेरा ख्याल है जी कि बिल्कुल दुरुस्त हाथों में है। असल बात सिर्फ ये है कि इट विल टेक टाइम टू क्रिएट अ सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। हमारा जो ख्याल था कि जितनी जल्दी हम कर लेंगे इतनी जल्दी नहीं हुआ, लेकिन ये नहीं है कि हम ट्रैक पे नहीं हैं, वी आर ऑन ट्रैक। इंशाल्लाह चीज़ें दिन ब दिन बेहतर हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ें हम कर चुके हैं जो शायद अभी लोगों को नज़र भी आनी शुरू हो भी गई हैं। आप तो टूरिज़्म में अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन आपसे उसका कलमदान क्यों वापस ले लिया गया? मैं खुद भी स्पेशली प्राइम मिनिस्टर की मुझे इतनी सपोर्ट है, तो मैं अभी तक हैरान था कि क्यों ऐसा हुआ। और स्पेशली मैं जब यूनेस्को के एक मीटिंग में गया हुआ था और उसमें मैंने शालीमार गार्डन्स का केस बड़ा अच्छा लड़ा, तो जब मैं वापस आया तो आई फाउंड आउट कि मुझे IT दे दिया गया है। मैंने बात की प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने कहा जी IT में तुम्हारी ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि तुम्हारी फील्ड भी है। पंजाब यूनिवर्सिटी न्यू कैंपस लाहौर पहुंचे तो वाइस चांसलर डॉक्टर नियाज अहमद ने इस्तकबाल किया। VC पंजाब यूनिवर्सिटी डॉक्टर नियाज अहमद की तरफ से दिए गए जोहराने में बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। अरफा क्रीम टावर में वाके PITB के दफ्तर पहुंचे और चेयरमैन PITB अजफर मंजूर के हमरा शोभा IT से मुतलका आला उहदेदारान से मीटिंग की और आइंदा का लाए अमल तय किया।